आज आपके लिए ले आए हैं फ्रंट साइड का 1 BHK फ्लैट, वो भी गेटेड कंपाउंड के अंदर और मेन रोड से सिर्फ और सिर्फ 10 कदम की दूरी पे। प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, खुद गिरता रहा संभलता रहा पर किसी को गिराया नहीं मैंने। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनित देश फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सस्ता घर पर। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं 1 BHK का फ्लैट, वो भी फ्रंट साइड का और मेन रोड से सिर्फ 10 कदम की दूरी पे। दोस्तों ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गेटेड सोसाइटी के अंदर है, यानी कि गेटेड कंपाउंड के अंदर है, जिसमें आपको बेहतरीन सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल जाती है क्योंकि कंपाउंड के बाहर ही आपके गार्ड की सेटिंग है जो 24/7 वहाँ पे रहते हैं। मार्केट प्लेसेस सारे नियर बाय हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेन रोड से जुड़ा हुआ है, तो इसके अगल बगल सारी मार्केटें हैं। ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको DTC बसेस, शेयरिंग ऑटो, प्राइवेट कैब सब आपके घर के आगे से ही आपको मिल जाती है, जो आपको मेट्रो स्टेशन से भी कनेक्टिविटी देती हैं। और आपकी ये लोकेशन जो होने वाली है ये गुड़गांव से भी बहुत नज़दीक होने वाली है, आप साइबर सिटी को भी ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, आप फरीदाबाद को भी ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं और गुड़गांव के गोल्फ एक्सटेंशन रोड को भी ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सब 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको मिलने वाली है। दोस्तों आज का हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है जौनापुर में और जौनापुर साउथ दिल्ली की लोकेशन है और वेल कनेक्टेड प्रोजेक्ट है ये मेन रोड से। अक्सर जब भी लोग घर ढूंढते हैं तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि घर मेन रोड के पास मिल जाए और डेली नेसेसरी की जितनी चीज़ें हैं उनके अगल बगल में उनको मिल जाए, ज़्यादा उन्हें घूम फिरना ना पड़े और ईजिली अवेलेबल हो जाए सारी चीज़ें, स्कूल नियर बाय हों आपके। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट एक ऐसा ही सॉल्यूशन है उन सब चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट आप लोगों की रहती है उन सबको पूरा करता है और बिल्कुल मेन रोड से 10 कदम की दूरी पे आपको मिल जाता है। दोस्तों ये फ्रंट साइड का 1 BHK फ्लैट है। अक्सर आपने देखा होगा जो 1 BHK का ऑप्शन होते हैं बैक साइड के होते हैं जिनमें बैल्कनी, यूटिलिटी बैल्कनी होती है, सिर्फ आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं मगर आपको कोई व्यू नहीं होता, मगर इसमें आपको कंपाउंड का व्यू मिलेगा, मेन रोड का व्यू मिलेगा क्योंकि इसमें आपको बैल्कनी का ऑप्शन मिल जाता है और ये फ्लैट आपको मिलता है 2-व्हीलर की पार्किंग के साथ। इसमें इस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट भी इंस्टॉल्ड है तो आपको लिफ्ट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, आपका कोई सा भी फ्लोर हो आपको लिफ्ट की जो सुविधा होती है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है। अब सीधे चलते हैं अपने गेटेड कंपाउंड के बाहर, वहाँ पे मैं आपको कंपाउंड थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा किस तरीके का कंपाउंड है, क्या रोड साइज होने वाला है कंपाउंड का, उसके बाद हम फ्लैट का ओवरव्यू करेंगे, बेडरूम के साइजेस, हॉल का साइजेस सब के बारे में मैं आपको जरूरी जानकारी दूंगा। तो सीधे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के बाहर। दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने प्रोजेक्ट के बाहर और मैं कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा एक बार आपको गेटेड कंपाउंड दिखाने के लिए, अपनी गेटेड सोसाइटी दिखाने के लिए। दोस्तों गेटेड सोसाइटी के बाहर ही आपको गार्ड रूम मिल जाता है, 24/7 यहाँ पे गार्ड अवेलेबल रहते हैं आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों अगर इस रोड मेरे सामने वाले फ्रंट रोड की यानी कि आउटर व्यू की बात की जाए तो ये रोड आपको सीधे जाके छतरपुर मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करती है और अगर इस रोड पे आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये मांडी के थ्रू गुड़गांव को कनेक्ट करती है और यहीं से आप फरीदाबाद हाईवे को भी कनेक्ट कर जाते हैं। दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे से DTC बस भी निकल रही है, तो ये DTC बस आपको सिर्फ 10 मीटर के डिस्टेंस पर ही आपको बस स्टॉप मिल जाता है, वहाँ से आप दिल्ली की किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू। दोस्तों आप मेरे राइट साइड में देख पा रहे होंगे दोनों तरफ मेरे मार्केट है, तो डेली नेसेसिटी की जो भी चीज़ें होती है, घर की ज़रूरत का जो भी सामान होता है आप इस मार्केट से ले सकते हैं, आपको ज़्यादा दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ईजिली अवेलेबल है मार्केट से सारा सामान आपके घर का। तो दोस्तों आप सीधे चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ और फ्लैट में मैं आपको फ्लैट के बारे में बताऊंगा, उसका ओवरव्यू दूंगा, तो बिना देर के सीधे चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने फ्लैट के बाहर और फ्लैट को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं इस बिल्डिंग में जो प्रोजेक्ट में है वो लिफ्ट वर्किंग होने वाली है, तो आपको कन्वीनियंट हो जाता है कि आप अपने घर तक लिफ्ट के थ्रू भी आ सकते हैं। दोस्तों 1 BHK का ओवरव्यू करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले एंट्रेंस डोर के बारे में बात कर लेते हैं, 3.5x8 फिट का आपको एंट्रेंस डोर मिलने वाला है जिसमें ब्रांडेड लॉक बिल्डर आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं। दोस्तों फ्लैट के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमें अपना ड्राइंग एरिया मिलता है और अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 14x10 फिट का ये आपका ड्राइंग एरिया होने वाला है। ग्लॉसी टाइल्स का यूज़ किया गया है तो काफ़ी अच्छी शाइन इसमें आ रही है। फॉल सीलिंग वर्क बिल्डर इसमें आपको करा के दे रहे हैं और सीलिंग लाइट भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, फ़ैन इंस्टॉल्ड है और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको TV पैनल यूनिट बनाने के लिए भी वॉल मिल जाती है जिसमें आप अपना डेडिकेटेड TV पैनल यूनिट बना सकते हैं अपने TV के लिए। इस जगह पे आप अपना 5-सीटर 6-सीटर सोफ़ा इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर एल कॉर्नर सोफ़ा भी लेना चाहते हैं तो छोटा सोफ़ा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 1 BHK में स्पेस थोड़ा कम होता है तो उसी के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है सब कुछ, अपना सोफ़ा, अपने जो घर का सामान होता है वो 1 BHK को देख के ही प्लान करना होता है। इसी हॉल से कनेक्ट करता है आपका कॉमन वॉशरूम, आपकी बैल्कनी और आपका किचन और आपका बेडरूम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बेडरूम के बारे में।
दोस्तों ये हमारा बेडरूम होने वाला है और अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 10x12 फीट का ये बेडरूम होने वाला है। 1BHK के लिहाज से काफ़ी अच्छा बेडरूम का साइज़ निकल के आया है और वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस बेडरूम के अंदर, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी विंडोज़ मिल जाती हैं वेंटिलेशन के लिए, जिससे इस फ्लैट के इस घर के अंदर का वेंटिलेशन अच्छा बना रहता है, क्योंकि इस फ्लैट के अंदर आपको बैल्कनी मिलने वाली है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे आप विंडो एसी लगा सकते हैं, अपना विंडो एसी का प्रोविजन करके दिया गया है। काफ़ी बड़ी वार्डरोब आपको बना के दी जा रही है बिल्डर के थ्रू। अभी इसमें सामान रखा हुआ है तो ये लॉक है, मगर काफ़ी आप देख पा रहे होंगे इसके डायमेंशन, अप्रॉक्स 4x9 फिट की ये वार्डरोब आपको मिलने वाली है जो टक इन है वॉल के अंदर, तो आपके बेडरूम का जो एरिया होता है वो नहीं लिया जाता है, स्पेस नहीं घिरता है, तो आपको पूरा यूजेबल स्पेस मिलता है बेडरूम के अंदर। सीलिंग फॉल सीलिंग ऑलरेडी बनाए रखी है बिल्डर ने, सीलिंग लाइट्स भी इंस्टॉल्ड है, फैन इंस्टॉल्ड है और एक फिक्स ग्लास मिल जाता है और 2 ओपनेबल विंडो मिल जाती हैं आपको आपके इस बेडरूम के अंदर। दोस्तों बेडरूम से निकल के चलते हैं अपने किचन की तरफ। दोस्तों ये हमारा 1BHK का किचन होने वाला है, फ्लैट छोटा है तो जाहिर सी बात है कि किचन भी थोड़ा छोटा ही होगा। इसमें आपको ग्रेनाइट का टॉप मिल जाता है, ब्लैक कलर का, चिमनी इंस्टॉल करके बिल्डर दे रहे हैं। इसमें ओवरहेड स्टोरेज मिल जाती है आपको काफ़ी अच्छी, जिसमें आप अपने पल्सेस ग्रेन्स रख सकते हैं। आपको SS की बास्केट मिल जाती है क्योंकि एक सेमी मॉडल किचन है, तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं होने वाली है, काफ़ी अच्छा स्टोरेज इस किचन के अंदर भी आपको मिलने वाला है। आपको सिंगल वॉल सिंक मिल जाता है, किचन में भी ओपनेबल विंडो मिल जाती है आपको और एग्जॉस्ट फैन के लिए भी स्पेस दिया गया है, तो आप अपना एग्जॉस्ट फैन वहाँ पर लगा सकते हैं। चिमनी का आउटर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो चिमनी का जो एग्जिट पॉइंट होता है स्मोक जाने का वो भी वेल प्लान कर रखा है अच्छे तरीके से। दोस्तों किचन से निकल कर चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। दोस्तों अगर वॉशरूम के डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 8x5 फीट का ये वॉशरूम मिलने वाला है। इसमें आपको वैनिटी बिल्डर की तरफ से बना के दी जा रही है, बैदिंग एरिया प्रॉपर मिल रहा है, ओवरहेड शावर मिल रहा है, सारी फिटिंग जैगवार की होने वाली है, स्पाउट वगैरह सब कुछ जैगवार का होने वाला है, वॉल हैंड शीट मिलने वाली है आपको, कंसील टैंक दिया जा रहा है, गीजर के लिए स्पेस दिया जा रहा है, ओपनेबल विंडो है, एग्जॉस्ट फैन भी बिल्डर की तरफ से इंस्टॉल करके आप लोगों को दिया जा रहा है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ब्रांडेड फिटिंग के साथ ये वॉशरूम आपको डिलीवर किया जा रहा है। अब चलते हैं अपनी बैल्कनी की तरफ, क्योंकि 1BHK में अक्सर बैल्कनी मिलती नहीं है, इस फ्लैट में आपको मिल रही है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस फ्लैट की डील को ग्रैब करने की। दोस्तों ये इस फ्लैट की बैल्कनी होने वाली है और आप देख पा रहे होंगे बैल्कनी से व्यू देख पा रहे होंगे, आपकी रोड दिख रही है आपको सामने, कंपाउंड दिख रहा है, काफ़ी अच्छा सेफ और सिक्योर कंपाउंड है। कंपाउंड के अंदर भी आपको 25 फीट की रोड मिल रही है और आगे कंपाउंड ब्लॉक है, तो आगे से आने जाने का रास्ता नहीं है, तो एक ही रास्ता है आपके कंपाउंड में आने का, ये वाला जिसपे गार्ड 24x7 बैठ रहता है। दोस्तों ये बैल्कनी होने वाली है जिसमें ग्रेनाइट की फ्लोरिंग का यूज़ किया गया है, काउंटर टॉप भी जो है वो ग्रेनाइट का दिया गया है, MS की ग्रिल्स दी गई हैं जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसमें आपको वॉशिंग पॉइंट भी मिल जाता है, आप अपनी वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अक्सर वॉशिंग मशीन की दिक्कत रहती है, कहाँ रखें, वॉशरूम के अंदर इतनी जगह होती नहीं है कि वॉशिंग मशीन को प्लेस कर सके, तो आपको बैल्कनी में स्पेस मिलता है अपनी वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करने का। दोस्तों यहाँ पे LED लाइट भी हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं कि रात के टाइम भी आपको काफ़ी अच्छी रोशनी आपको बैल्कनी में मिल पाए, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन आपको मिलने वाला है इस बैल्कनी के कारण इस 1BHK फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों जल्दी से फ़ोन उठाएं, सस्ता घर को कॉल करें और अपनी विजिट लाइनअप करें इस फ्लैट के लिए, इस 1BHK फ्लैट के लिए, कहीं मौका आपके हाथों से निकल ना जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट में मिलने वाली एमिनिटीज़ के बारे में। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में आपको 2-व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है, लिफ्ट मिल जाती है और कॉमन टेरेस मिल जाता है। अगर गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाली फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो IGL की गैस पाइपलाइन, BSES का मीटर और दिल्ली जल बोर्ड की वाटर सप्लाई आपको इस लोकेशन पे, इस गेटेड कंपाउंड के अंदर इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। दोस्तों अगर बात की जाए प्रॉपर्टी के टाइटल की तो एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होने वाली है, जिस पे आपको ईजिली फाइनेंस मिल जाता है NBFC के थ्रू। अगर प्राइस की बात की जाए तो 23 लाख के आस्किंग प्राइस में ये 1BHK का फ्लैट आपको मिलने वाला है। दोस्तों आप हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट जो रनिंग प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में जानकारी चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं जो होने वाली www.sastaghar.in, और वहाँ से भी PDFs को गो थ्रू कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली सारी न्यू प्रोजेक्ट्स की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। तो मैं पुनीत बिष्ट अब आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।